अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महेंद्रगढ़ में गांव पाएगा के पास एक सब्जी पिकअप रात को करीब 11:30 बजे एक अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसकी पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। घने कोहरे के चलते आपस में अनेकों जगह पर छोटे एवं बड़े साधनों में अनेकों जगह आपसी भिड़ंत हो गई। घने कोहरे को देखकर हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सभी निजी व सरकारी स्कूलों की छुट्टियां की गई है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए निजी स्कूल ने सरकार की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी है। आज रात से ही काफी धुंध होने से स्कूल की बसों में अनेकों साधनों से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है, जिससे सरकार को कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सरकारी रूल के मुताबिक निजी स्कूलों को भी रूल को फॉलो करना चाहिए, जिससे छोटे छोटे बच्चों को ठंड से होने वाली बीमारी एवं घने कोहरों से बसों के एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। निजी स्कूल के लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये बच्चे किसी माँ बाप के बच्चे हैं और इनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए एवं हरियाणा स्कूल के रूल को फॉलो करना चाहिए। इसी बीच आज रात 11:30 बजे एक राजस्थान नंबर की पिकअप गाड़ी जो पाएगा गांव के पास किसी अज्ञात वाहन के सामने आ गई और जोरदार टक्कर हो गई। पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और सुबह करीब 8 बजे एक बाइक सवार जो बेरी गांव का रहने वाला है वो भी क्षतिग्रस्त पिकअप पे टकरा गया। उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी सूचना सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस को दी गई। थाना इंचार्ज मौके पर पहुंचे और रोड को खाली करवाया गया और गाड़ी को साइड में खड़ा करवा दिया, जिससे और कोई हादसा न हो सके। मैं ASI सतवीर सिंह चौकी महेंद्रगढ़ में तैनात हूँ। आज रात को काफ़ी ज़्यादा कोहरा होने की वजह से एक सब्जी की पिकअप गाड़ी किसी अनजान व्हीकल में ठुक गई थी। हमें जैसे ही सूचना मिली हमने इंतज़ाम करके उसको रोड से हटवा दिया है, ताकि भगवान की कृपा से और कोई दूसरा आदमी इसकी चपेट में ना आए। महेंद्रगढ़ से ब्यूरो हेड कृष्ण सैनी की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।